तो नमस्कार है दोस्तों, जोहार। देखिए, जितने भी लोग झारखंड सहायक आचार्य के लिए अप्लाई किए थे उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये रहा लिंक, इसका लिंक आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से आना चाहते हैं तो कैसे आइएगा, चलिए बताते हैं। सबसे फर्स्ट गूगल ऑन करना है। ठीक है, डाटा ऑन कर लीजिए गूगल में, मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो। उसके बाद आपको गूगल में सर्च करना है JSSC। ठीक है, सर्च करने के बाद आप इसको ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आपको JSSC का वेब पेज देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इसका वेब पेज खुल जाएगा, होम पेज। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है, ये व्यू ऑल। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। दो तरीका है, आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में भी जा कर के कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर JPS TAACCE 2023। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको दो लिंक दिखाई देंगे, किसी भी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इसका लिंक खुल जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन आप डायरेक्टली लॉगिन कीजिए और डाउनलोड कीजिए, दूसरा है अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट कोई कैंडिडेट पासवर्ड भूल चुका है तो वो क्लिक कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और यहाँ पर आपको गेट कैंडिडेट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा प्रोसेस। तो क्लिक हेयर टू लिंक, ये आपका लॉगिन के लिए है। एंड जिनके पास आपको एप्लीकेशन मालूम है, डेट ऑफ बर्थ मालूम है, सब कुछ, तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना होगा, एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे शुरू में ही गया होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, सेकेंड से क्या हमारा पासवर्ड, तो मैंने बताया अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, और करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपका पासवर्ड भी गया होगा और एप्लीकेशन नंबर भी साथ में होगा। ठीक है, दोनों डाल के लॉगिन करना है और प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। अब हमारा एक चीज़ बनता है कि जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो कलर में कर लेंगे। ठीक है, ये कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं होगा, कोई कोई इंस्टीट्यूट होता है ना कि कलर में नहीं करने से आपको रोक देता है, वैसे तो नहीं रखेगा फिर भी कलर में कराइए। ठीक है, 5 रुपया ज़्यादा लगेगा यार, सब जगह वैलिड रहेगा। ठीक है, और अगर किन्हीं को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर कहाँ है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा JSSC का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ये देखिए ऊपर में। ठीक है, ये रहा, ये दो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये रहा, और आपका जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले जाइए, मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूँगा यहाँ का। ठीक है, ताकि आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकें और लॉगिन भी कर सकें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तैयारी जितना भी किए हैं अब धुन दीजिए, छाप दीजिए। ठीक है, बाय।